अभी हम पहुंच चुके हैं नरसिंह मंदिर में, जो जोशीमठ में स्थित है। और ये दुकानें लगी रहती हैं इधर पूजा सामग्री की। क्या है वो? तो ये है नरसिंह मंदिर। बताना सर, बोलना एक बार। तो अभी हम हैं नरसिंह मंदिर पे, जो जोशीमठ में स्थित है। ये है देखिए, और श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पर जूता चप्पल यहाँ पर खोलना होता है। तो ये देखिए, ये हैं पुराने घर जिनमें बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है लकड़ियों की। ये देखिए, इस तरफ है पुजारी निवास। तो आपको आज दर्शन कराएंगे नरसिंह भगवान जी के। तो अभी हम हैं नरसिंह मंदिर के परिसर में। तो दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं बाहर, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैं आपको अंदर की क्लिप नहीं दिखा पाया। जोशीमठ से जो निकटतम दर्शनीय स्थल हैं, हेमकुंड साहिब 30 किलोमीटर है यहाँ से, बद्रीनाथ मंदिर 41 किलोमीटर, और पांडुकेश्वर मंदिर जो है वो है 18 किलोमीटर, और हनुमान चट्टी एक जगह पड़ती है वो है 29 किलोमीटर, और माना गांव है 45 किलोमीटर। तो आप जब भी जोशीमठ में आते हैं तो आप इन मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये नज़दीक में ही हैं सारे मंदिर। नरसिंह मंदिर के बारे में यहाँ पर पूरा लिखा गया है। और जो बद्री विशाल जी की जो डोली होती है वो शीतकालीन 6 महीने यहाँ पर रहती है, और ग्रीष्म काल में वह डोली बद्रीनाथ मंदिर में होती है। तो इस तरफ है पूजा काउंटर। श्री नरसिंह मंदिर में होने वाली पूजाओं का यहाँ पर विवरण है। यदि आप यहाँ पर अभिषेक पूजन करते हैं तो आपको यहाँ पर 1500 रुपये देने पड़ेंगे। और ये देखिए, पूरा ये रेट लिस्ट लिखा है। जो भी आप नरसिंह मंदिर में पूजा करवाएंगे वो प्रातः 6:30 बजे से स्टार्ट होती है और सायं 8 बजे तक रहती है। तो यहाँ पर ये लिस्ट है पूरी। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूजाएँ होती हैं, तो आप करा सकते हैं। और ये है पूरा मंदिर परिसर, ये देखिए। और यहाँ पर एक शिला भी है बहुत ही विशाल। और यहाँ पर होता है यज्ञ हवन। और ये है पूरा मंदिर, ये देखिए। ढोल दमू बजते हुए मंदिर परिसर में। तो जो नरसिंह देवता के अवतार की जो कहानी है, जो हिरण्यकश्यप थे उनके एक पुत्र थे प्रहलाद, तो वो विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना करते थे। तो हिरण्यकश्यप हैं, उन्होंने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जो कि प्रहलाद मरे नहीं। तो अंत में भगवान विष्णु जी ने नरसिंह देवता का रूप लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो तभी से यहाँ पर नरसिंह देवता की पूजा अर्चना होती है। तो ये है मंदिर। मंदिर के इस तरफ देखिए, ये है जोशीमठ शहर। और यहाँ पर देखिए, पूरी गांव वाली फीलिंग आएगी इस तरफ। और यहाँ पर ये गौशालाएँ भी हैं, और यहाँ पर लोगों के गाय रहते हैं, ये देखिए पूरा। और ये खुमानी के पेड़ देखिए, कितनी सारी खुमानियाँ लगी हैं। तो देखिए, यह है शंकराचार्य गद्दी स्थल। यह है शंकराचार्य का गद्दी स्थल यहाँ पे।
चलते हैं आपको नीचे। अभी हम जोशी मठ की मार्केट में हैं।